हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट। इसको आप यहां पर पहले समझ लीजिए, फिर मैं बाद में डेफिनेशन बताऊंगा। मान लेते हैं हम लोग ये एक रिंग है। सपोज करते हैं कि आर एक रिंग है। रिंग तो एक सेट होता है, तो ये मान लेते हैं एक रिंग है और इस रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं एस। एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इसी रिंग आर का। अब रिंग खुद भी एक आइडियल होता है। अब ये जो आइडियल है ये पूरा एक आइडियल हो जाता है, तो ये आइडियल एस को कंटेन कर रहा है। ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट हम लोग लिए हैं इस रिंग का, वो इसी आइडियल में शामिल है। आर आइडियल एस को कंटेन कर रहा है। अब एस को कंटेन करने वाला और भी आइडियल मिल सकता है। मान लेते हैं ये एक आइडियल मिला, ये भी आइडियल जो है वो एस को कंटेन कर रहा है, मतलब एस उसी आइडियल में शामिल है। ये भी एक आइडियल है, आई एक आइडियल हो गया जो एस को कंटेन कर रहा है। एस उसी के अंदर है, आई से आई आइडियल के अंदर है, आई भी एक आइडियल हो गया, ये भी एक आइडियल है। अब और भी अगर आइडियल मिल जाता है जो एस को कंटेन करता है, तो मान लेते हैं एक आइडियल ये भी है, एस को कंटेन करने वाला एक और आइडियल हम लोग बना दिए। ये रेड कलर का आइडियल बना रहे हैं, तो ये भी एस को कंटेन कर रहा है और इस आइडियल को हम लोग नाम दे रहे हैं ए। ये ए भी जो है वो आइडियल है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर सपोज करते हैं एस को कंटेन करने वाला यही तीन आइडियल है। कौन सा तीन आइडियल? एक रिंग पूरा आर जो है वो भी एक आइडियल होता है, इसको कंटेन कर रहा है। ये जो आइडियल बनाया ये भी इसको कंटेन कर रहा है। रेड कलर का जो आइडियल बनाया वो भी इसको कंटेन कर रहा है। सपोज कीजिए तीन ही आइडियल है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए। अब इसको शामिल करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल कौन सा है? ये जो रेड कलर का आइडियल है सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल तो यही हो गया। इसको शामिल करने वाला ये आइडियल जो है वो उससे रेड कलर वाला आइडियल से तो ये बड़ा है, और इससे भी बड़ा कौन सा है? ये पूरा रिंग जो है वो भी एक आइडियल होता है, वो इसको कंटेन करने वाला सबसे बड़ा आइडियल हो गया। तो जो स्मॉलेस्ट आइडियल होगा इसको कंटेन करने वाला, उसी को कहते हैं आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। इसको क्या कहेंगे? ए को कहेंगे, ए कहलाएगा आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। जनरेटेड बाय सेट एस क्या मतलब हुआ? किसको कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट? एक ऐसा आइडियल ढूंढना है रिंग का जो एस को तो कंटेन करता हो और ये सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल हो इसका कंटेन करने वाला। अगर इसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट आइडियल मिल जाता है तो उसी आइडियल को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये जो आइडियल है वो आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस कब कहलाएगा? जब एस सबसेट होगा ए का। सबसे पहला तो चीज़ ये होना चाहिए, ये जो आइडियल है इस आइडियल को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। जब पहला चीज़ होना चाहिए कि एस जो है वो सबसेट होना चाहिए ए का। और दूसरा, अगर कोई दूसरा आइडियल है, देयर एग्जिस्ट आइडियल आई, आइडियल आई सच दैट एस इज सबसेट ऑफ आई इम्प्लाइज। अब कोई एक और आइडियल मिल गया आई, जैसे ये ब्लैक कलर का जो आइडियल मिल गया, अगर कोई एक और आइडियल मिल गया, ऐसा मिला कि एस उसी के अंदर में, एस उसी आई जो है वो एस को कंटेन कर रहा है, तो वैसे केस में ये जब सबसे छोटा आइडियल है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा आइडियल मिलता है इसको कंटेन करने वाला, तो वो जो स्मॉलेस्ट आइडियल है वो उसी का सबसेट होगा। ये रेड कलर वाला जो है वो किसके अंदर में है? आई के अंदर में है। ए जो है वो आई के अंदर में है, तो इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ आई। ये दो चीज होना चाहिए। इस आइडियल को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। दो कंडीशन में, पहला कंडीशन ए जो है वो आइडियल एस को कंटेन करना चाहिए, ए जो आइडियल है वो एस को कंटेन करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर एस को कंटेन करने वाला कोई भी अगर दूसरा आइडियल मिल जाता है तो वो आइडियल भी ए को कंटेन करेगा, मतलब आइडियल ए जो है वो सबसेट हो जाएगा आई का। देयर एग्जिस्ट आइडियल आई सच दैट, अगर एक ऐसा आइडियल मिल जाए आई जो एस को कंटेन कर रहा है तो ए सबसेट हो जाएगा आई का। तब अगर ऐसा मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे ए को स्मॉलेस्ट, सॉरी ए को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस।
तो जब हम लोग किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट अगर प्रूव करना हो तो यही काम करना पड़ता है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को अगर दिखाना है कि ए जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस है, तो सबसे पहले तो दिखाएंगे कि एस ए का सबसेट है, एस ए के अंदर है, ए जो है वो एस को कंटेन कर रहा है, पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम करना है कि अगर कोई दूसरा आइडियल मिलता है जो एस को शामिल कर रहा है, तो हम लोग दिखा देंगे कि ए जो है वो भी आई के अंदर होगा। ये जो ए है, ये वाला ए, अगर दिखा दिए कि आई के अंदर ही है, तो ए जो है वो स्मॉलेस्ट आइडियल हो जाएगा जनरेटेड बाय सेट एस। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ, आप समझिएगा ध्यान से, कि लेट आर बी ए रिंग, कोई भी रिंग है, एंड एस ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, आर रिंग हो गया, एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। यहाँ पर देखिए एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग आर का, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एन आइडियल ए, कैपिटल ए एक आइडियल है, किसका, आर का, इज सेट टू बी जनरेटेड बाय एस। अब इस आइडियल ए को कहेंगे जनरेटेड बाय एस इफ ए इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस। अब ए जो है वो स्मॉलेस्ट आइडियल होना चाहिए एस को कंटेन करने वाला, तब इस ए को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। मैं पहले ही समझा चुका हूं, यहां पर डिफाइन कर दिया हूं। अब चलिए इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेटिवली, ये ए को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस, कब कहेंगे, जब एस ए का सबसेट हो, मतलब ए जो है वो इसको शामिल करे। और दूसरा, फॉर एनी आइडियल आई ऑफ आर, अगर कोई भी दूसरा अगर आइडियल मिल जाता आई, और ऐसा आइडियल मिलता है कि एस सबसेट है आई का, मतलब एस जो है वो कंटेन हो रहा है आई में, आई एस को कंटेन कर रहा है, तो ए भी आई के अंदर होना चाहिए। देखिए फिगर में कि एस को शामिल करने वाला एक दूसरा आइडियल मिल गया आई, तो इस रेड कलर वाला को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस, अगर ये रेड कलर वाला ये दूसरे आइडियल के अंदर में हो, आई के अंदर में ये रेड कलर वाला आइडियल है। तो यहां पर ये दूसरा कंडीशन, यही मैं पहले भी समझाया हूं कि अगर कोई एक दूसरा आइडियल आई मिलता है आर का, और ऐसा मिलता है जो एस को कंटेन कर रहा है, तो ए भी आई के अंदर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम लोग कहेंगे ए को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। अब जरा देखिए, इफ आइडियल ए ऑफ आर जनरेटेड बाय एस, अगर आइडियल ए जो है वो जनरेट हो रहा है एस से, देन वी राइट, ऐसा लिखते हैं, ए इज आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस, को इस तरीके से लिखते हैं। अगर कोई एक ए आइडियल है जो सेट एस से जनरेट हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिखते हैं, और इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज द आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस, सेट एस से जनरेट हो रहा है ये आइडियल। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल किसको कहते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट देख चुके हैं, अब आगे प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, तो जरा समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं एक कोई भी रिंग आर है, और इस रिंग आर का एक एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल ए जो है वो एक एलिमेंट है, और स्मॉल ए सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करने वाला ये सेट एस है, मतलब सेट एस में सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ ए है। अगर इस सेट से कोई आइडियल जनरेट करते हैं, इस सेट से सपोज कर लेते हैं, इस सेट से आइडियल ये जनरेट हो रहा है, ये आई जो आइडियल है वो मान लेते हैं कि इसी सेट एस से जनरेट हो रहा है, और ये कौन सा सेट है, सिंगल एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट है। तो अगर सिंगल एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट से कोई आइडियल जनरेट होता है, तो इस आइडियल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं, इसी को प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। तो प्रिंसिपल आइडियल क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल एक ऐसा आइडियल हो गया जो सिंगल एलिमेंट वाले सेट से जनरेट होता है, सिंगलटन सेट से जनरेट होता है, ये सिंगलटन सेट हो गया, और इस सिंगलटन सेट से ये आइडियल जनरेट हुआ, तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। अब आइडियल जनरेट होने का मतलब क्या हो गया, कि ये जो आइडियल है वो इस सेट को कंटेन कर रहा है, और ये स्मॉलेस्ट आइडियल है इस सेट को कंटेन करने वाला, अगर कोई दूसरा आइडियल मिलता है इस एस को कंटेन करने वाला, तो वो उस आई से बड़ा ही होगा, अगर कोई भी दूसरा आइडियल मिलता है तो वो आई से बड़ा आइडियल होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो है वो एस को कंटेन कर रहा है, मतलब एस सबसेट है किसका, आई का, और एस में सिंगल एलिमेंट सिर्फ ए है,
तो एस जब आई का सबसेट है तो ए बिलोंग्स करेगा आई का में, तो इसका मतलब हो गया कि आई जो एक आइडियल है वो ए एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, एलिमेंट ए को कंटेन कर रहा है आई, और ये ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल है, सिंगल एलिमेंट ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल है तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल, और इसको लिखते हैं आई इक्वल टू इस तरीके से लिखेंगे, सिंगल एलिमेंट ए से अगर वो जनरेट हो रहा है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन उसी तरीके से डिफाइन किया गया जो मैं अभी बता रहा था। क्या डेफिनेशन है कि लेट आर बी ए रिंग, एन आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए सिंगलटन सेट इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल। अगर आर कोई रिंग है तो एक आइडियल लेना है और वो जनरेट होना चाहिए सिंगलटन सेट से, तो उसी को कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर का आइडियल मैं बनाया हूँ वो एक सिंगलटन सेट से जनरेट हो रहा है, सेट एस से जनरेट हो रहा है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, तो ये जो रेड कलर का आइडियल बन रहा है उसी को क्या कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। इसको आप जरा यहाँ पर समझिए। कुछ और चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि मान लेते हैं कि एस में सिंगल एलिमेंट ए है, सिंगलटन सेट होना चाहिए, सिंगलटन सेट से जनरेट होने वाला आइडियल हम लोग निकाल रहे हैं, तो सिंगलटन सेट है तो सिंगल एलिमेंट मान लेते हैं सिर्फ क्या है इसमें ए, और ए किसका मेंबर है आर का, एंड कैपिटल ए बी द आइडियल जनरेटेड बाय एस, और कैपिटल ए जो है वो एस से जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आई लिखा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर वहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए जो आइडियल है यहाँ पर वो सिंगलटन सेट से जनरेट हो रहा है। यहाँ पर मैं ए कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं आई लिख दिया था। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए ए जो है वो एक आइडियल हो गया जो जनरेट हो रहा है सेट एस से, सेट एस से मतलब सिंगलटन सेट से, तो वी से दैट द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय ए, सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट होने वाला ये आइडियल है। हम लोग कहें सिंगलटन सेट से जनरेट हो रहा है या सिर्फ एलिमेंट ए से जनरेट होने वाला आइडियल है, दोनों कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट एस से जनरेट हो रहा है या एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, एंड वी राइट ऐसा लिखते हैं कि ए इज द आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, और यही जो सिंगल एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। तो प्रिंसिपल आइडियल कुछ नहीं है विशेष, सिर्फ ये चीज़ का ध्यान देना है कि प्रिंसिपल आइडियल जो होता है वो एक आइडियल होता है जनरेटेड बाय ए सेट, लेकिन कौन सा सेट, सिंगल एलिमेंट वाला सेट। तो सिंगल एलिमेंट मान लीजिए सिंगल एलिमेंट स्मॉल ए है तो उस आइडियल को कहेंगे स्मॉल ए से जनरेट हो रहा है, और अगर एक एलिमेंट से आइडियल अगर जनरेट हो रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल।